नमस्कार आरजी न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या थाना हुआ था? भोजीपुरा ग्राम हंसा हंसी के शेर सिंह व अन्य लोगों ने नाबालिग लड़की को भला फुसला कर उसको अपहरण कर लिया और पीड़ित पक्ष थाना भोजीपुरा में प्रार्थना पत्र दिए। उसके बाद भी पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद पीड़ित पक्ष मंत्री संतोष गंगवार जी के पास भी गए, वहां पर उन्होंने लेटर पैड लिखवा के थाना भोजीपुरा को पुलिस को दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष बहुत ही परेशान है और नाबालिग लड़की की बरामदगी चाहता है और जो वो पैसा ले गई है, जेवर ले गई है, उसकी भी बरामदगी चाहता है। न्याय की गुहार लगा रहा है अधिकारियों से कि मुझे न्याय मिले। देखते रहिए आरजी न्यूज चैनल, सब्सक्राइब शेयर करिए जिससे सबसे क्या पहले नाम है आप तक आपका? पहुंचे खबर। ग्राम शंकरलाल। कहाँ रहते हो आप? ग्राम हंसा। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना भोजीपुरा। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके परिवार में? मेरे परिवार में ये हुआ कि मेरी नातिन को, चार भैया थे, वो लड़की को गायब करके ले गए। मैं गया था आगे रुद्रपुर जाने। चार लोग कहाँ रहते हैं? वो हंसनी रहते हैं। उनके नाम क्या है चार लोगों के? नाम एक बड़े का नाम है पप्पू, एक का नाम है महावीर, एक का नाम है सतीश, एक का नाम शेर सिंह। जो ले गया वो शेर सिंह है। जो आपकी नातिन को ले गया वो शेर सिंह है? वो शेर सिंह है। अच्छा, तो क्या हुआ था? तभी वो मैं लड़की बोली कि मैं जाती रहती, वो वहाँ कहाँ रुद्रपुर अपने ताऊ के पास काम करते ताऊ ताई। अच्छा, तो वो जाती तो वो बोली पापा मैं यहाँ चली जाऊँगा। मैं वहाँ से वैसे बैठा सवारी पर वापस हुआ और वो अगले लगा हुआ था, तभी उसने खोर नहीं से पहले वहाँ से लड़की को लेकर और गेट आउट कर चला गया। तो मैंने लड़के को फ़ोन करा अपने बड़े वाले को, तो उससे पूछा तो वो बोला पापा नहीं आई लड़की अभी। तो मैंने कि मैंने बैठा दी ट्रेन पर, तो वो बोला कि अभी तो आई नहीं। मैंने शाम तक का टाइम देखा, नहीं आई, घर पहुँची। तब मैं साथ मेरे लड़के ने कही कि पापा वो नहीं आई। तब मैं फिर भाग के गया। मैंने साथ हो सकती है कहीं रास्ता में फिर रस्ते में बन जाए हो कहीं, तब फिर भी वो लड़की ले चला गया, भाई समझ में। तब वहाँ से जब लड़की ले चला गया तब मैं उसके घर गया। जब घर गया उसकी बीवी ने, बड़े भैया ने और बड़े भौजाई ने मेरे पैर छुए और पैर छुए के कहा कि चाचा हम मर जाएंगे और चाचा हम तुम्हारी लड़की को लाकर हम देंगे, समझे। एक दिन गया तब भी वो खामोशी, ये नोहरे पाते करे कि मेरे घर में खान को नहीं है और पाँच से नान नान चले वो, और इसलिए चाचा हम तुम्हारी लड़की को ला देंगे। हमने कोई बात ना, उसी दिन छोड़े आए, दो दिन छोड़े आए, तीन दिन छोड़े आए, चौथे दिन गए तब उसने आकर तिकड़ बिगड़ करी। जब तिकड़ बिगड़ करी तो हमने सालों जो अब जो चोरी कर रहा हो, जब चोरी कर रहा हो हमसे ये कहता रहा, हमें ढूंढने जाता हूँ रोज, ढूंढने जाता हूँ और सारा काम कर रहा माढ़ा में इजुआ के पास, राजगिरी का काम करता है सारा। कौन? वो पप्पू नाम का लौंडा है, उसका भाई शेर सिंह का। तो इस संबंध में आप थाने गए? फिर थाने गए, उसके बाद में सुनो, मैं थाने जब गया कि जब उसने नहीं सुन देखा मेरे भाई, उसने नहीं राउंड दिया लाके नहीं, तब मैं थाने गया। जब थाने में जाकर मोमडन से मैंने तहजीर लिखाई, तहजीर लिखाने के बाद में और नहीं था, मैं तहजीर देने गया थाने में दीवान के पास। कौन से थाने में गए? भोजीपुरा थाने में। फिर जब दीवान के साम थाने में गया मैं तहजीर देने, तो दीवान बोला कि बुब्बा मेंढ में बैठी हूँ उनके ताई दिखाओ, आई समझ में। जब मेंढमों को दिखाया तो मेंढमों ने लोटे पोटे कागज और लोट पोट के कह दिया जाओ हो जाएगा काम, देखा जाएगा। मैं वहाँ से निकला तो वो मेरे दमान थे छोटे वाले, उनके जानकारी के दरोगा जी और थे जाटव कास्ट के, उनसे उनने बात करी तो भाई बोले कि ऐसा कुछ दौड़ धूप मैं कर दूंगा, देख लूंगा मैं। बलक बिन ने भी कुछ नहीं किया, घर चले आए हम। फिर वो आंखें दिखाने लगा, दूसरे दिन तीसरा दिन हुआ, तभी उसने एक बम इनमें मोबाइलों में नेट पर डाल दी कि मैंने शादी कर ली लड़की के साथ में और वाकई लड़की के साथ में उसे पकड़े बैठा है अपना और दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। लड़की लड़की जो है वो, उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र है साहब मेरे नज़र में तो ही 14 साल तक की। अच्छा, अब वो चाहे उन्हें 20 साल करा ली हो चाहे 25, और लड़के की ये 22 साल की। आपके पास कागज हैं उसके लड़की के? हाँ, लड़की के कागज हैं मेरे पास, उसकी मार्कशीट, टी सी मार्कशीट सब मेरे पास है। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैंने साहब मेरे की वहाँ से उसने जब पड़ा होगा तो होने के बाद में मैं दरोगा जी के पास करके आएगा। अब नहीं, दरोगा जी ने सुनी मेरे दमान ने करी बहुत सारी कोशिश, नहीं भाई कोशिश, तभी फिर बैठ रहेगा।
दो तीन दिन फिर बैठे रहे तो वो आंखें दिखाने लगा। आंखें दिखाने के बाद में मैंने फिर से मेरी दमाद मोरे बोले बोले चलो बरेली संतोष कुमार के यहाँ से तहजीर का बकरा। संतोष कुमार मंत्री जी, मंत्री साहब के यहाँ से। अच्छा, अब हमने तहजीर बनवाई भैया बाबा सिद्धि विनायक में, लड़के ने बना के दी तहजीर। बना के देने के बाद में हम बरेली गए संतोष कुमार के बंगला पे। जब संतोष कुमार के बंगला पे गए तो अंदर जो पीओ बैठते हैं वो पीओ ने अपने साइन करे और साइन करके उस पर तहजीर पे, और साहब मेरी एक लड़के से कही कि मोड़ लगा दे उसको। उस लड़के ने पत्रे से उसका नाम लिया जाने कहा कि ज्यादा जल्दी से मोड़ लगा के इनको दे दे, और कि अगर थानेदार सारा नहीं बात कराए तो मेरी बात करा देना थानेदार। अच्छा, हाँ उसने पीओ ने कही। फिर क्या हुआ? अब यहाँ आके थानेदार को दी तो थानेदार ने चुप्पा से जी में रख लिया जिक्र के इशारे से, बोले जाओ देख लूंगा मैं। आज तक उसने नहीं देखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पाबंदी नहीं देखी दोबारा, अभी पकड़ा नहीं गया, अभी ना कोई भी ना पकड़ा गया ना देखा गया मेरे तरफ से। आपके घर पर आई पुलिस? पुलिस मेरे घर पर, उसने तहजीर दी मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ उसने, पुलिस, हाँ शेर सिंह ने, शेर सिंह ने दी। तब पुलिस मेरे पास आई, दरोगा आओ, एक चपरासी आया, तो उस दरोगा से मैंने बात करी, दरोगा ने मेरे पूछी कि लड़के कहाँ, तो मेरा बड़ा लड़का नहीं था घर। तो लड़की गई कैसे ये बताओ आप? लड़की वो उसने रत्ता में से गेट आउट कर ली। गेट आउट कर ली, हाँ। तो लड़की मतलब अकेले गई या कुछ? अकेले गई, मैं तो यहाँ से छोड़ के चला आया। अच्छा अच्छा, मैंने घर के हंसा रोड पे छोड़ दी लड़की। हाँ। लड़की चली गई उधर के लिए। हाँ। और मैं चला आया अपने घर, मुझे क्या पता अगले चोर बैठा है। अगर मुझको ये पता होती कि अगले चोर है तो मैं वहीं तक नहीं जाता है, 150 रुपये खर्च नहीं कर सकता किराए वाले में। फिर क्या हुआ? तब मैं सामने लौटा चलाया, वो अपने लड़की वहाँ चली गई। तब मैंने लड़के को बड़े वाले को फ़ोन किया, अरे लला मैंने वो पहुँच गई। तो वो और उसकी बीवी बोली कि नहीं वो तो अभी नहीं आई है। अरे मैंने कि मैंने सुबह बैठा दी है, नहीं सुबह की बैठी। तो लड़की मतलब कुछ और भी ले गई क्या? और क्या साहब, 86,000 रुपये ले गई उसे तो। 86,000 रुपये? हाँ। अच्छा, 120,000 रुपया ले गई। जब वो लड़की यहाँ से मैंने छोड़ी, छोड़ के मैं आया, मुझे ये भरोसा नहीं था कि मेरा सामान सट्टा ले गई लोंडिया नहीं ले गई। वो टू में जो पैती वो तो बह गई, पैरे बही थी, उनसे कोई मतलब नहीं था। मेरी जो धरोहर ही 120,000 रुपया धरा हुआ, मैंने अपने जीना फीना बनवाने को रखा इकट्ठा करके, ईंट भी मैंने 1,000 मंगा ली, वो भी लगी भाई देख लो अब आके आप आए समझ में। तो मैंने जब मैं बच्चों से अपने रुपया मांगे तो बच्चों ने मेरे ये कहा कि रखे भाई निकाल लो वहाँ से। जब मैंने वहाँ देखे नहीं लिख रहे तो मैंने फिर कहा अपने बच्चों से कि काका पागल समझ रहे मुझे हैं, लाओ मुझे जो ढूंढ के कहीं से जो रुपया। तो जब बिन्ने ढूंढे तो बोली हाँ ललो ले गई, ललो ले गई। अब जब ललो ले गई तो ललो को तो उनका काम हो गया, वो ही रुपया से वो आज खेल खेल लिया मेरे ऊपर, उल्टी तहजीर मेरे ऊपर देखे। तो 3 ट्यूमे ले गई, वो कुंदर ले गई सोने के, मंगलसूत्र ले गई, 5 इवरी ले गई, समझे, सोने के कुंदर ले गई। आज हम 3 चीज़ें 2 में ले गई, 120,000 रुपये ले गई। क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ मुझे धन भी बनाए, धर्म भी बना, दोनों चीज़ें बन जाना चाहिए है? मुझे लड़की भी बनना चाहिए और मेरा माल माल जीवर जो है पैसा टका सब बनना चाहिए। उस लड़के पर कुछ तो कष्ट आना चाहिए, वो तो और मेरी माँ चूत रहा हूँ, बार बार गाली देता है मुझे। क्या कहता है वो? वो ये कहता है कि साले क्या कर लेंगे मेरा, मैं हंसन गाँव में रह रहा हूँ। आपको धमकी देता है? हाँ धमकी दे रहा है, कल भी उसने। क्या धमकी दे रहा है आपको? गाली देता है वो, गाली देता है आपको? हाँ गलत गलत गाली बोलता है। अच्छा, इसलिए जो है हम बड़े खामोश भय बैठे हैं, पुलिस हमारी सुन नहीं रही अभी तक, बहुत देरी हम उड़ मार रहे हैं। 2 बार तहजीर दे दी, हमारी तहजीर से पुलिस नहीं आई और उसकी तहजीर से पुलिस हमारे पास आ कर की धन से, और हमको पुलिस धमकी दे गई कि कोई दुर्घटना हो गई इसके साथ में तो तुम्हारे लड़के और तुम्हारा नाती तीनों जाएंगे जेल, भाई समझ में। तो हमारे लिए तो धमकी दे गई, और हमने तहजीर दी, हमारी तहजीर की कोई धमकी नहीं दी गई, किसी बच्चे तक को नहीं दी उसने, भाई समझ। आज उसका नाती, उसका भतीजा, मेरी बहू गई थी तो उस बहू के ताई वो साहब लेकर लड़े तो कूद गया, बोला कि अभी तो तू आइए और तो कुछ करके छोड़ने, अब हम तुम्हारे साथ में, अरे तुम्हारा क्या कब्जा है समझे, अब तो बहुत समझे। तो आप क्या चाहते हो? अब हम तो यही चाह रहे हैं कि हमें तो दोनों चीज़ें मुलजिम बनना चाहिए और हमारा माल भी बनना चाहिए। आपको लड़की भी चाहिए? हाँ, लड़की और भी चाहिए, आपका जो पैसा गया वो चाहिए, और माल चाहिए हमारा। ठीक है, ठीक। और